Hi friends, well, I am here again to help you with another great topic. This time the topic is how to be more disciplined in life. हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे वे से कैसे हम टाइम को स्पेंड करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, कम टाइम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें, चाहे हम एक प्रोफेशनल हैं या एक स्टूडेंट हैं. वेल, The key word is managing time effectively. Time is the biggest and the most expensive thing in life. Please remember that. Time से ज़्यादा कीमती या precious कोई भी चीज़ नहीं है. चाहे वो gold हो, diamond हो, property हो, सबसे ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है? Time. Do you know the reason why? Because time एक ऐसी चीज़ है जो एक बार ही स्पेंड कर दिया तो वापस कभी नहीं आ सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें. लेट्स थिंक अबाउट कल हमने क्या करा. कुछ लोगों ने क्रैकर्स बर्न करे, कुछ लोगों ने लाइव इवेंट्स अटेंड करे, सम पीपल जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम विद देयर फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने रीडिंग करी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सोए और कुछ लोग शायद थोड़ा थोड़ा रोए. चाहे आपने जो भी किया हो, क्या वो कल जो बीत गया वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना. दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन लाइफ. द अदर रीज़न इज़, अगर हम बात करें अपनी एज की, एज हमारी हर समय हर पल बढ़ रही है, घट नहीं रही है. और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारी एनर्जी वैसे वैसे कम हो रही है. सो दैट मीन्स हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करना है बिकॉज कल शायद हम उतना ना कर पाएँ. ओके, हाउ टू मैनेज इट? वेल, द फर्स्ट टिप इज़ यूटिलाइज एवरी मोमेंट इफेक्टिवली. हमारी ये जो छोटी छोटी सी ब्रेक्स होती है ना, चाहे हम लंच के लिए वेट कर रहे हों या हमारी छोटी सी कॉफ़ी ब्रेक हो या कभी भी कैसे भी हमें क्लास नहीं है फिर भी ब्रेक ही होती है ना, उन ब्रेक्स को ढंग से यूटिलाइज़ करना सीखिए. ड्यूरिंग द ब्रेक्स यू कैन चेक योर फोन कॉल्स, ड्यूरिंग द ब्रेक्स यू कैन मेक योर वर्क टू डू लिस्ट, ड्यूरिंग द ब्रेक यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मस्ट डू. ड्यूरिंग द ब्रेक यू शुड विश योर फ्रेंड्स अ वेरी हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी और कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजना है. तो ये सब काम आप हर समय करने की बजाय ड्यूरिंग द ब्रेक करिए. ओके, इन फैक्ट ड्यूरिंग द ब्रेक आपके माइंड में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी करनी ही है उस दिन, तो वो भी आप जॉट डाउन कर सकते हैं. ओके, नाउ हम लोग मोस्टली करते क्या है, हम लोग ये जो छोटी छोटी ब्रेक्स है ना, हम इस समय सिर्फ वेट करते हैं या व्हाट्सएप करते करते वीडियोज़ देखते देखते बिता देते हैं. प्लीज़ इनको इफेक्टिवली यूज़ करिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वॉट यू शुड डू इज़ ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर गोल्स. हम सबके गोल्स हैं लाइफ में, एक अपना गोल जो अचीव करना है, जो भी आपके लाइफ का पर्पस है उसकी पिक्चर या उसका स्केच या उसको लिख के अपने सामने लगाइए. ऐसी जगह जहाँ पे आप सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को देखें, ताकि हर समय वो आपको पॉइंट आउट करेगा दैट यू नीड टू डू समथिंग मोर टू अकम्प्लिश योर गोल. ओके, और गोल कैसे अचीव करना है ये तो हम सब ने सुना है, दैट योर गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम्ड. सो आई एम श्योर आप सब इसके बारे में जानते हैं. अगर आपको गोल सेटिंग पे या टाइम मैनेजमेंट पे और इनपुट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपको लगता है दैट देयर इज सम अदर टॉपिक इन विच आई कैन हेल्प यू, प्लीज़ फील फ्री इन रीचिंग आउट. एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, आई वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद यू टू नो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग. आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, तो आप शेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प अदर पर्सन ऑल्सो. एंड येस, टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली अवॉइड बींग इन नेगेटिव जोन, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट. नेगेटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव लोगों के साथ बैठना छोड़िए, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर भागिए, अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखने की पूरी कोशिश करिए. सो हैव अ ग्रेट डे, अ पॉजिटिव डे एंड चेयरफुल डे. टेक केयर.